स्वागत है दोस्तों आपका एजुसीकर चैनल पे। स्पेशल लेक्चर की सीरीज का ये पहला लेक्चर है आज। इसमें हम रियलिज्म पढ़ने वाले हैं, लेकिन रियलिज्म पढ़ने से पहले बता दूं कि ये सीरीज स्पेशल लेक्चर वाली क्यों है और ये क्रैश कोर्स वाली सीरीज से कैसे अलग है। क्रैश कोर्स वाली सीरीज में हमने बहुत ही बेसिक और ब्रीफ चीज़ें की हैं, फैक्ट्स कवर किए हैं, लेकिन बहुत ही ब्रीफली समझा है थ्योरीज को, जहाँ जो भी चीज़ें हमने कवर की है क्रैश कोर्स में। लेकिन स्पेशल लेक्चर वाली सीरीज में हम फैक्ट्स भी कवर करेंगे, ठीक है, लेकिन जो थ्योरीज या और चीज़ें कवर करने वाले हैं वो डिटेल में होंगी, हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। इस जो स्पेशल लेक्चर वाली सीरीज में, खास करके इस पार्ट में, मैंने एक काम किया है कि अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में टेक्स्ट को लिख दिया है। आपको टेक्स्ट लगेगा कि ज़्यादा लिखा हुआ है, वो ज़्यादा इसीलिए लिखा हुआ है ताकि आप उससे आराम से नोट्स बना सकें, स्क्रीन शॉट ले सकें, उसका अपने फायदे के लिए यूज़ कर सकें। तो आज की ये वीडियो शुरू करते हैं, समझते हैं रियलिज्म के बारे में, वो भी पूरी डिटेल में। पहले पढ़ते हैं कि रियलिज्म थ्योरी आई कहाँ से है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो दोस्तों, रियलिज्म थ्योरी इमर्ज हुई है एज ए चैलेंज टू आइडियलिज्म। जो आइडियलिज्म की थ्योरी थी उसके अगेंस्ट ये एज ए चैलेंज खड़ी हुई है। आइडियलिज्म की थ्योरी भी पॉपुलराइज होती है, खास करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। एक इंटरवार पीरियड कहा जाता है जो 1919 से 1939 तक चलता है। ये इंटरवार पीरियड क्या है? ये वो पीरियड है जिसमें कोई वार नहीं हुआ है, वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार वन खत्म होने के बाद और वर्ल्ड वार टू शुरू होने के बीच वाले पीरियड को इंटरवार पीरियड कहते हैं। और इस इंटरवार पीरियड में काफ़ी सारी आइडियलिज्म या लिबरलिज्म भी जिसे कहते हैं, उन्होंने थ्योरीज दी है अपने, और इन थ्योरीज को साथ साथ ही रियलिज्म चैलेंज कर रहा है। रियलिज्म अब इस थ्योरीज को किन ग्राउंड्स पर क्रिटिसाइज कर रहा है, पहले हम उन ग्राउंड्स को भी देख लेते हैं। तो वो ग्राउंड्स है, पहला कि उन्होंने पावर के रोल को इग्नोर किया है। जो रियलिज्म वाले कहते हैं, हम आगे जाकर भी देखेंगे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर, कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पावर के लिए ही स्ट्रगल हो रही है, सारी स्टेट्स लड़ रही हैं सिर्फ अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। तो आइडियलिज्म वाले ने इस चीज को भी इग्नोर किया है। रियलिज्म वाले फिर कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को इन्होंने कुछ ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर दिया था, ठीक है। ये मानते हैं कि ये मतलब आइडियलिज्म वाले मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है वो काफ़ी कोऑपरेटिव है, ठीक है, सेक्रीफाइसेस कर सकता है, दूसरों की मदद कर सकता है, लेकिन ये ओवर एस्टिमेटेड है। रियलिज्म वाले ह्यूमन नेचर का बहुत ही पैसिमिस्टिक व्यू देखते हैं, मतलब कि एक डार्क साइड देखते हैं, वो आगे जाके हम देखने वाले हैं। और इन्होंने मतलब आइडियलिज्म वालों ने नेशन स्टेट को लेकर ये जो बात कही थी कि उनके इंटरेस्ट सबके आपस में शेयर होते हैं, इसलिए वो एक इंटरेस्ट के लिए, एक ही गोल या ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर सकते हैं। और साथ में लास्ट में जो आइडियलिज्म वाले मानते थे कि वार जो है उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन रियलिज्म वाले मानते हैं वार इनएविटेबल होते हैं, इनको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। ये पता चल भी गया 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाता है और ये थ्योरी कंफर्म हो जाती है रियलिज्म वालों की, और आइडियलिज्म वाले गलत प्रूव हो जाते हैं कि लीग ऑफ नेशन जैसी इंस्टीट्यूशन 1919 में एस्टेब्लिश करने के बावजूद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है। तो एक तरह से आइडियलिज्म की थ्योरी फेल हो जाती है ये बताने में कि वॉर क्यों होते हैं, ठीक है। इसमें जो आइडियलिज्म और रियलिज्म की डिबेट्स है जो इंटरवार पीरियड में होती है, जिसे ग्रेट डिबेट का भी नाम दिया जाता है, उसमें जो थिंकर्स आते हैं वो है ई एच कार, हंस जे मोरगेंथो, रेनॉल्ड नेबर। इसमें इस थ्योरी में रियलिस्ट जो हैं वो जीत जाते हैं इस ग्रेट
डिबेट में रियलिज्म की जीत होती है। अब हम समझते हैं रियलिज्म के बेसिक अजम्पशन क्या है, मतलब कौन से वो मुख्य तथ्य है जिसके आधार पर सारी रियलिज्म थ्योरी टिकी हुई है, क्या बातें करते हैं, कैसे वो इंटरनेशनल रिलेशंस को समझते हैं, कैसे वो इंटरनेशनल सिस्टम को देखते हैं। पहली चीज ये ह्यूमन नेचर का जो मैं बात कर रहा था पीछे, काफी पेसिमिस्टिक व्यू लेते हैं। ये बिलीव करते हैं ह्यूमन नेचर काफी सेल्फ इंटरेस्टेड है, सेल्फ सेंटर्ड है, ग्रीडी है और पावर के लिए इसके पास पावर के लिए लस्ट है, मतलब पावर को ही बस हथियाना चाहता है। दूसरी चीज है इंटरनेशनल रिलेशन पीसफुल नहीं हो सकते जैसे आइडियलिज्म वाले बिलीव करते थे। आइडियलिज्म वाले बिलीव करते थे भाई शांति हो सकती है, कोऑपरेशन हो सकती है, सब मिल बैठ कर को एग्जिस्ट कर सकते हैं बिना एक दूसरे को मारे। लेकिन रियलिज्म वाले ये पिक्चर शो करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन हमेशा ही कन्फ्लिक्चुअल होते हैं, मतलब कि हमेशा इसमें लड़ाई और झगड़े रहेंगे ही रहेंगे। और कन्फ्लिक्ट जो सॉल्व करने का ये जो रियलिस्ट वाले मेथड बताते हैं वो कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई टॉक्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ये तरीका बता रहे हैं कि इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट आर अल्टीमेटली रिजोल्व बाय वॉर। भाई वॉर ही एक तरीका है कन्फ्लिक्ट को खत्म करने का। तीसरी अजम्पशन ये है रियलिज्म बारे नेशनल सिक्योरिटी और स्टेट सर्वाइवल को हाई रिगार्ड देते हैं, विच मीन्स कि उनके वो ये मानते हैं कि स्टेट्स के लिए अपनी सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण है और अपना सर्वाइवल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्टेट सब चीज़ें सेक्रीफाइस कर सकता है अपने सिक्योरिटी के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। अगली अजम्पशन यानी फोर्थ अजम्पशन है स्टेट्स आर प्राइमरी एक्टर्स। रियलिस्ट वाले स्टेट्स को ही मुख्य अदाकार समझते हैं, मुख्य एक्टर समझते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में जितनी भी इंडिविजुअल्स, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं, जहाँ कह लो ट्रांसनेशनल एक्टर आ जाते हैं, वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रियलिज्म के लिए। ये सब सबॉर्डिनेट्स है स्टेट के, ठीक है, और ये इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी मुख्य भूमिका नहीं निभाते। इवन कि इसमें आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी ले सकते हो, तो रियलिस्ट वाले मानते हैं ये भी इंटरनेशनल रिलेशन में इम्पोर्टेंट नहीं है। फिफ्थ अजम्पशन रियलिज्म की ये है कि इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम जो है वो अनार्की है। अनार्की का मतलब होता है जहाँ पर किसी तरह की अथॉरिटी नहीं है, जहाँ पर कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है, जहाँ पर ऑर्डर देने के लिए या कंट्रोल करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट या बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेट्स के ऊपर कोई भी बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप कहोगे यूनाइटेड नेशन तो एग्जिस्ट करती है, नहीं, यूनाइटेड नेशन के भी ऑर्डर को मानने के लिए स्टेट पर, मतलब यूनाइटेड नेशन के जो ऑर्डर है वो भी स्टेट पर थोपे नहीं जा सकते। ये स्टेट्स की अपनी विल है वो ऑर्डर मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते। इसीलिए इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो अनार्की वहाँ पर है। वो अनार्की भी कैसी, परमानेंट, इसको सॉल्व भी नहीं किया जा सकता, ये रियलिस्ट वाले मानते हैं। सिक्स्थ और आखिरी अजम्पशन ये है कि स्टेट्स जो अनार्की सिस्टम में एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, सारी स्टेट्स की पावर इक्वल नहीं है, वो अनइक्वल है पावर में। कुछ ग्रेट पावर्स हैं, कुछ स्मॉल पावर है, और जो रियलिस्ट मानते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में पावर के लिए जो स्ट्रगल है वो ग्रेट पावर्स में है, स्मॉल और वीकर पावर्स आर लेस इम्पोर्टेंट। अगला हमने पढ़ना है कोर एलिमेंट्स ऑफ रियलिज्म। अगर ये एलिमेंट्स रियलिज्म के समझ आ गए जो कि कोर एलिमेंट्स है, तो आपका रियलिज्म का सारा मेन जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल समझ आ जाएगा। पहला स्टैटिज्म, इसका कोर एलिमेंट है। दूसरा सर्वाइवल है। तीसरा सेल्फ हेल्प है।
तो स्टेटिज्म, सर्वाइवल, सेल्फ हेल्प को हम अब एक एक करके ब्रीफली लेकिन डिटेल में देखते हैं। स्टेटिज्म में रियलिज्म वाले क्या मानते हैं कि स्टेट एक मेन एक्टर है, जो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। मैक्स वेबर की एक फेमस डेफिनेशन है स्टेट को लेकर, वो बोलते हैं स्टेट क्या है। स्टेट है मोनोपोली ऑफ द लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स विद इन ए गिवन टेरिटरी। तो मैक्स वेबर मानते हैं स्टेट एक ऐसी फोर्स, एक ऐसी एंटिटी है, ठीक है, जो एक विद इन टेरिटरी में फिजिकल फोर्स यूज करने के लीगल राइट रखती है। मतलब अपनी टेरिटरी में स्टेट जो है फोर्स यूज कर सकती है, फिजिकल फोर्स यूज कर सकती है। इसका यह भी मतलब हो गया कि स्टेट अपनी टेरिटरी में सुप्रीम है, ठीक है, लॉ बनाने के लिए और फोर्स को यूज करने के लिए। सेकंड इसमें आता है कि डोमेस्टिकली, क्योंकि स्टेट अपनी ही टेरिटरी में काफी स्ट्रॉन्ग है और अथॉरिटी यूज कर सकती है, तो वहां पर ऑर्डर और अगर सिक्योरिटी मेंटेन करनी है तो स्टेट कर लेगी, ठीक है, क्योंकि स्टेट वहां पर सुप्रीम है। लेकिन इंटरनेशनल अरीना में, यानी स्टेट से जब हम ऊपर उठते हैं, इंटरनेशनल अरीना पे जाते हैं, तो वहां तो कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, वहां तो अनार्की है, तो वहां पर ऑर्डर और सिक्योरिटी को मेंटेन नहीं किया जा सकता। द इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट्स ऑलवेज एक्सपीरियंस इनसिक्योरिटी, डेंजर एंड थ्रेट्स इन सिचुएशन ऑफ अनार्की, क्योंकि वहां पर कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, अनार्की की सिचुएशन है, और अनार्की की सिचुएशन होने की वजह से जितनी भी स्टेट्स है, जितनी भी कंट्री है, वो हमेशा ही इनसिक्योरिटी में जीती रहेंगी। वहां पर डेंजर रहेगा रहेगा, थ्रेट्स रहेंगे रहेंगे। अगली बात इसमें है, इसी ऐसी अनार्की में जहां पर आपके पास इनसिक्योरिटी है, डेंजर और थ्रेट्स के अलावा और कुछ भी नहीं है, आप अपनी सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए दूसरी स्टेट से और भी ज्यादा पावर बढ़ाना चाहते हो, और ये जो आपका कंपटीशन है इसको हम जीरो सम गेम की तरह देख सकते हैं। जीरो सम गेम इंटरनेशनल रिलेशन में, जहाँ जीरो सम गेम गेम थ्योरी की ही एक टर्म है, इसका मतलब होता है कि अगर एक का फायदा दूसरे का घाटा, मतलब अगर मान लिए कोई स्टेट है जैसे अमेरिका है, वो अपनी पावर को बढ़ा रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, तो उसका घाटा दूसरी स्टेट को हो रहा है। ये नहीं है कि उसकी पावर बढ़ रही है और इसका किसी को घाटा नहीं हो रहा है, सबका फायदा हो रहा है, ऐसा नहीं है। एक का फायदा है और दूसरे का घाटा हो रहा है, इसे कहते हैं जीरो सम गेम। गेन ऑफ वन इज अ लॉस ऑफ अनदर। नेक्स्ट है, दस सच सीन मेक्स द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। फिर अब सब स्टेट्स तो पावर को बढ़ाने में लगे हुए हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने सर्वाइवल को सिक्योर करने के लिए, तो फिर इंटरनेशनल रिलेशन यानी इंटरनेशनल सिस्टम क्या बन गया, पॉलिटिक्स ए स्ट्रगल फॉर पावर बन गई, बाय पावर, ठीक है, तो ये एक पावर के लिए स्ट्रगल बन गई है इंटरनेशनल रिलेशन में। यहां पर पावर का मतलब क्या है, मोर्गेंथो पावर की एक डेफिनेशन देते हैं। मोर्गेंथो कहते हैं पावर मीन्स मैंस कंट्रोल ओवर द माइंड एंड एक्शन ऑफ अदर मैन। मतलब पावर का मतलब है जब आप किसी के एक्शन और किसी के माइंड को कंट्रोल कर लेते हो। कहने का मतलब यह है कि उससे वो भी काम करवा लेते हो जो वो करना भी नहीं चाहता। यह है पावर का एक मीनिंग। नेक्स्ट है इसमें, दस टास्क ऑफ कैलकुलेटिंग द पावर ऑफन रिड्यूसेस टू काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्रूप्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट एंड नेवल शिप। इसका मतलब है फिर पावर को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैलकुलेट करने का तरीका तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, पावर को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता आसानी से, तो इसके लिए किसके पास कितनी आर्मी है, कितने ट्रूप्स है, टैंक्स कितने हैं, कितने हवाई जहाज है, कितने नेवल शिप्स है, इस तरह से पावर का अंदाजा लगाया जा सकता है।
सो यही पावर की एबिलिटी किसके पास, के जितने ज़्यादा ट्रूप्स होंगे, टैंक्स होंगे, एयरक्राफ्ट होंगे, उसके पास उतनी ही ज़्यादा पावर होगी, जिसके पास जितनी ही ज़्यादा पावर होगी उसके पास उतनी ही एबिलिटी होगी दूसरों से वो काम कराने की, दे वुड नॉट अदरवाइज डू, जो वो नहीं करते अदरवाइज। अगला है सर्वाइवल, ये कोर एलिमेंट्स कर रहे हैं, सर्वाइवल सेकंड एलिमेंट है। सर्वाइवल में क्या है, सर्वाइवल स्टेट का मेन गोल है, सारे गोल इनफीरियर है स्टेट के लिए, मेन ये है कि स्टेट सर्वाइव करना चाहता है इंटरनेशनल रिलेशन में, अगर उसकी एग्जिस्टेंस ही ना रही तो फिर वो क्या करेगा। सो सर्वाइवल इज द अल्टीमेट कंसर्न ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू वाल्स, ये वाल्स की एक फेमस डेफिनेशन है और सॉरी कोट है जिसमें सारी बात आपको समझ आ जाएगी। बियॉन्ड द सर्वाइवल मोटिव, ये वाल्स कह रहा है, बियॉन्ड द सर्वाइवल मोटिव द एम्स ऑफ स्टेट्स मे बी एंडलेसली वेरिड। तो इसका मतलब है कि सर्वाइवल से परे होकर, ठीक है, मतलब सर्वाइवल इज द मेन एम ऑफ स्टेट, सर्वाइवल के बाद उसके एम शुरू होते हैं स्टेट के। सो पहला एम सर्वाइवल है, बाकी एम ऐसे हैं जो बदलते भी रह सकते हैं, लेकिन सर्वाइवल जो मेन गोल या एम है, खुद को इंटरनेशनल अरीना में बनाए रखना, अपनी एग्जिस्टेंस को कायम रखना, यही मेन गोल है सर्वाइवल, बाकी एम आर सेकेंडरी। नेक्स्ट है द अल्टीमेट एम इज टू प्रोटेक्ट द स्टेट एट एनी कॉस्ट। सो सर्वाइवल का मतलब ये हुआ कि खुद को किसी तरीके से बचाना है, तो वो किसी भी कॉस्ट पे बचाना है, चाहे अपने ही सिटीजन की जान को सेक्रीफाइस क्यों ना किया जाए। तो ऑफ कोर्स अगर आपकी एग्जिस्टेंस को थ्रेट है, डेंजर है किसी दूसरी स्टेट से, तो दूसरी स्टेट अगर आप पर हमला करती है तो आप वॉर में खुद ही इन्वॉल्व हो जाते हो, और वॉर में आपको पता है अगर हम इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे सिटीजन की डैमेज, सिटीजन की लाइफ भी जाएगी, कोलेटरल डैमेज तो होगा हमारी साइड में भी, उनकी साइड पे भी। तो स्टेट्स तैयार रहती हैं कि चाहे सिटीजन की जान चली जाए, अपनी सर्वाइवल हमने बनाकर ही रखनी है। हेनरी किसिंगर एक एकेडमिशियन थे जो जब निक्सन प्रेसिडेंट बनता है तब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनते हैं यूएस में, यूएस में फॉरेन मिनिस्टर नहीं होता, उसे हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं। तो उन्होंने एक कोट यूज किया है, मैं उन्हीं की कोट को यहाँ लिखा हुआ है, वो पढ़ते हैं। ए नेशन सर्वाइवल इज द फर्स्ट एंड अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट कैन नॉट बी कम्प्रोमाइज और पुट टू रिस्क। मतलब वही बात जो अभी हमने समझी है कि नेशन के लिए सर्वाइवल सबसे पहला और अल्टीमेट आखिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, इट कैन नॉट बी कम्प्रोमाइज, इसको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ना ही रिस्क पे डाल सकते हैं। तीसरी इसमें और आखिरी बात यह है कि इट मीन्स स्टेट्समैन कैन यूज इमोरल वेज इफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इज एट रिस्क। मतलब कि अपने आप को बनाए रखने के लिए, सर्वाइवल को मेंटेन करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, आप झूठ बोल सकते हो, ठीक है, आप चीट कर सकते हो, यहां पर आप जासूसी भी कर सकते हो, मार भी सकते हो, ठीक है, और ये सारी चीजें स्टेट के लिए बिल्कुल ठीक है, स्टेट इसमें कुछ गलत नहीं कर रहा अपने सर्वाइवल को बनाए रखने के लिए। Thus, this means that realists do not believe in the notion of universal human rights, which are highly endorsed by liberals. So, इसका मतलब तो ये हो गया, मतलब आप किसी को मार सकते हो, झूठ बोल सकते हो, स्पाई कर सकते हो, किसी की जान भी ले सकते हो, तो इसमें realist को परवाह नहीं है ह्यूमन राइट्स की, ये सारी चीजें उनके लिए छोटी मोटी है, सेकेंडरी है, ठीक है, चाहे लिबरल्स या आइडलिस्ट वाले इनको हाई वैल्यू देते हो, लेकिन रियलिस्ट के लिए सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरी जगह पर जाकर वो पहले ये नहीं देखेंगे वार करते हुए कि मैं कहीं ये जो सामने मेरे आदमी लड़ रहे हैं, ठीक है, कहीं मैं इनके राइट्स तो वॉयलेट नहीं कर रहा, तो ये सारी चीजें उनके लिए सेकेंडरी हो जाती है, सबसे पहले है उनका सर्वाइवल। अगला है सेल्फ हेल्प का, सेल्फ हेल्प बहुत ही जरूरी थी, मैं इसको भी ध्यान से समझिए। इसमें यह है, दिस प्रिंसिपल होल्ड्स दैट इन एन आर्कियल सिस्टम वेयर देयर इज नो वर्ल्ड गवर्नमेंट, ईच स्टेट एक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग इट्स ओन वेलबींग। इसका मतलब है जहां पर भाई कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम को तो ये मानते हैं अनार्की है,
जहाँ पर अनार्की है, जहाँ पर कोई लॉ नहीं है, जहाँ पर कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, तो आपको बचाने कौन आएगा? किसी ने हमला किया, आपको कौन बचाने आएगा? तो आपका सर्वाइवल अपने ही हाथ में है, ठीक है? आप अपनी मदद खुद ही करेंगे, किसी पर आप विश्वास तो कर ही नहीं सकते, ठीक है? सो यू आर ऑन योर ओन, आप अपने आप पर ही निर्भर हो, किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, कोई भी धोखा दे सकता है, तभी इनको रियलिस्ट कहते हैं, काफी प्रैक्टिकल है। सो रियलिस्ट डू नॉट बिलीव डैट स्टेट कैन ट्रस्ट एनीवन। हैरानी की बात होगी, वो ये भी कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन को भी ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, अपनी सिक्योरिटी, अपने सर्वाइवल को खुद ही मेंटेन करना पड़ेगा, किसी दूसरे स्टेट्स पर, कंट्री पर, और इवन कि किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर, चाहे वो यूनाइटेड नेशन ही क्यों ना हो, उस पर भी बिलीव करने की जरूरत नहीं है। किसी स्टेट के साथ कैसा भी एग्रीमेंट किया हो, चाहे पीस एग्रीमेंट ही क्यों ना किया हो वार के बाद, उस पर भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, कभी भी ब्रीच हो सकता है। सेल्फ हेल्प में अगला है, सो इन ऑर्डर टू इंश्योर इट्स सिक्योरिटी स्टेट इंक्रीजेस इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। अब ये भी बहुत जरूरी है, ध्यान से समझिए, ये कैसी चीज है कि सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए स्टेट क्या करेगी, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी, ठीक है, अपना सेल्फ डिफेंस का मैकेनिज्म है उसको और भी स्ट्रॉन्ग करेगी। तो जब मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी और दूसरी स्टेट कैसे देखेगी, एक स्टेट की मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ रही है, दूसरी के लिए तो इनसिक्योरिटी बढ़ रही है ना भाई, ये इतना खतरनाक होता जा रहा है, इतना पावरफुल होता जा रहा है, कल को मेरे पर ये कभी भी हमला कर सकता है, तो उसकी इनसिक्योरिटी बन जाएगी। अब वो क्या करेगा, वो भी स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करने लगेगा। तो ये एक ऐसा सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट हो जाएगा इंटरनेशनल अरीना में, इंटरनेशनल सिस्टम में, जो कभी भी रियलिस्ट वाले मानते हैं सॉल्व हो ही नहीं सकता। आपको डर है दूसरी स्टेट से, ठीक है, उस डर को कम करने के लिए, अपने थ्रेट को कम करने के लिए आप मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाते हो, जब आप अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाते हो तो दूसरी की इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है, तो वो भी बढ़ाने लगता है, तो ये एक सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे मतलब मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाने के चक्कर में आर्म्स रेस भी हो जाती है, आपके पास 500 हथियार है, दूसरा 1000 बनाने लगता है, तो ऐसी सिचुएशन में तो फिर डर का माहौल और भी बढ़ जाएगा, सो पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगा, इसे सिक्योरिटी डिलेमा की सिचुएशन कहते हैं, और रियलिस्ट वाले मानते हैं ये इंटरनेशनल रिलेशन में सॉल्व होनी पॉसिबल नहीं है, ये रहेगी ही रहेगी। इन ए सेल्फ हेल्प सिस्टम, अगला, स्ट्रक्चरल रियलिस्ट आर्ग्यू डैट बैलेंस ऑफ पावर विल इमर्ज इनएविटेबली इवन इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्शियस पॉलिसी टू मेंटेन द बैलेंस। कहते हैं सेल्फ हेल्प सिस्टम में जो बैलेंस ऑफ पावर की सिचुएशन है वो अपने आप ही अराइज हो जाएगी, चाहे आपकी इंटेंशन थी चाहे नहीं थी, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी का पार्ट था चाहे नहीं था, बैलेंस ऑफ पावर की सिचुएशन इंटरनेशनल रिलेशन में बन ही जाती है। ये आर्ग्यूमेंट बेसिकली स्ट्रक्चरल रियलिज्म का है, हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे ये स्ट्रक्चर बन जाती है, और इसी के लिए उनको बाद में क्रिटिसाइज भी किया जाता है। नेक्स्ट है, क्विकली देखते हैं कि रियलिज्म की टाइप्स कौन कौन सी है और हम कौन कौन से थिंकर्स पढ़ने वाले हैं। इसमें हम क्लासिकल रियलिज्म पढ़ने वाले हैं, और रियलिज्म क्लासिकल रियलिज्म के ये चार थिंकर पढ़ने वाले हैं, थुसीडाइड्स, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, हंस जिम और गैंथो। देन हम स्ट्रेटेजिकल रियलिज्म पढ़ने वाले हैं, उसमें हम थिंकर पढ़ेंगे थॉमस शेलिंग को। थर्ड हम पढ़ने वाले नियो रियलिज्म को, नियो रियलिज्म में हम कैनेथ वाल्ट्ज को पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे डिफेंसिव ऑफेंसिव रियलिज्म में, हम इसमें जॉन मर्शाइमर के जो मेन आर्ग्यूमेंट है उसको देखेंगे। फिफ्थ हम पढ़ेंगे नियो क्लासिकल रियलिज्म पर। तो ये वीडियो का सेकेंड पार्ट शुरू होने वाला है, बने रहिए। आते हैं क्लासिकल रियलिज्म में। क्लासिकल रियलिज्म में थुसीडाइड्स ने क्या कहा है? थुसीडाइड्स एक तरह से फर्स्ट क्लासिकल रियलिस्ट का भी खिताब ले सकते हैं। सो उन्होंने बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ पेलोपनेशियन वॉर। तो ये बुक लिखी गई थी 431 सॉरी, ये जो पेलोपनेशियन वॉर है ये 431 से 404 बीसी तक चलता है। आपको पता है बीसी टाइमिंग उल्टा चलता है। थुसीडाइड सेड इन फैक्ट दैट पॉलिटिकल एनिमल्स आर हाईली अनइक्वल इन देयर पावर। यहाँ पर पोलिटिकल एनिमल जो वर्ड यूज कर रहे हैं, आपको एरिस्टोटल का कोट पता है, मैन इज ए पोलिटिकल एनिमल, तो पोलिटिकल एनिमल यहाँ मैन के लिए ही यूज किया जा रहा है, और ये जो मैन है पोलिटिकल एनिमल जो है ये हाईली अनइक्वल
इन पावर है। ये हमने बेसिक अजम्पशन जब रियलिज्म के पढ़ रहे थे उसमें भी बताया था कि स्टेट्स आर अनइक्वल इन पावर, कुछ ग्रेट पावर होती है कुछ स्मॉल पावर्स होती है। सो इसमें यही लिखा है कि पॉलिटिकल एनिमल्स आर हाईली अनइक्वल इन देयर पावर एंड कैपेबिलिटीज टू डोमिनेट अदर्स एंड टू डिफेंड themselves। सो हर एक की अपनी अपनी पावर्स है, कैपेबिलिटीज है, दूसरों को डोमिनेट करने की या खुद को डिफेंड करने की। ऑल स्टेट्स लार्ज और स्मॉल मस्ट अडेप्ट टू गिवन द रियलिटी ऑफ अनइक्वल पावर एंड कंडक्ट themselves अकॉर्डिंगली। सो जितनी भी स्टेट हैं उनको ये समझना चाहिए, पावर रिलेशन समझना चाहिए कि कोई ग्रेटर पावर है, ठीक है, उसके पास पावर ज़्यादा है, कोई स्मॉल पावर है, तो स्मॉल पावर को ग्रेटर पावर के साथ वैसे ही बिहेव करना चाहिए। सो इफ स्टेट्स डू डैट दे विल सर्वाइव एंड इवन परहैप्स इवन प्रॉस्पर, इफ स्टेट्स फेल टू डू डैट दे विल प्लेस देमसेल्व्स इन जेपर्डी एंड मे इवन बी डिस्ट्रॉयड। अगर स्टेट अच्छी तरह से पावर रिलेशन को नहीं समझते हैं, मतलब स्मॉल स्टेट भी जो है वो खुद को भी भरम में रखकर अपने आप को तकड़ा समझती है, अपने आप को पावरफुल समझती है, तो वह गलत समझ रहे हैं, तो वो कभी भी ख़त्म हो जाएंगी अगर उन्होंने पावर रिलेशन को इंटरनेशनल रिलेशन में समझा नहीं है। ये कैसे है, अब ये मैं बताता हूँ। एक मिलियन डायलॉग, फेमस डायलॉग है ये, मिलोस और एथेंस के बीच में होता है, मतलब एक वार शुरू होने से पहले का ये डायलॉग है। मिलियंस जो है, ठीक है, मिलोस जगह जो है वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं मिलियंस, वो एथन से अपील करते हैं प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को लेकर। सो वो कहते हैं कि उनका ऑनर और डिग्निटी को पूरी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। सो इसका रिप्लाई एथेनियंस कैसे देते हैं, वो कहते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस जो है, ठीक है, कि आपको हम डिग्निटी देंगे वार लड़ते हुए, आपको हम ऑनर देंगे, ऐसे हो ही नहीं सकता। सो उनके स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस वो कहते हैं डिपेंड करते हैं इक्वालिटी ऑफ पावर, ठीक है, और ये कहते हैं स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे हैव टू डू, स्ट्रॉन्ग विल डू व्हाट दे हैव टू डू एंड वीक एक्सेप्ट व्हाट दे हैव टू एक्सेप्ट, दिस इज द सेफ रूल। तो स्ट्रॉन्ग वो करेगा जो वो करना चाहते हैं और वीक को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो इसमें ये है कि दिस इज द सेफ रूल, एक रूल बताने वाले, ध्यान से सुनिए इन्हें। टू स्टैंड अप टू वंस इक्वल, टू बिहेव विद द डेफरेंस टू वंस सुपीरियर, तो अपने इक्वल के साथ आप खड़ा हो सकते हैं, जिसके पास बराबर है आप उसके साथ लड़ सकते हैं। टू बिहेव विद डेफरेंस टू वंस सुपीरियर, अगर कोई आपसे बड़ा है, ठीक है, पावर में, तो आप उनसे डेफरेंस ही लीजिए, मतलब लड़ाई करने का सोचिए मत। और टू ट्रीट वन इन्फीरियर विद मॉडरेशन, और जो आपसे पावर में छोटा है उन्हें आप मॉडरेशन के साथ, मतलब बड़े प्यार से डील करिए, ऐसा नहीं है कि उनके साथ रथलेसली बिहेव करें, जैसे आप अपने ही इक्वल पावर जितने कोई साथी, मतलब कोई स्टेट है जो आपके जितने इक्वल है उसके साथ वैसा बिहेव करेंगे, वैसा आप अपने इन्फीरियर के साथ नहीं करते। सो थुसीडाइड स्टेट इट इज नॉट अबाउट इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल बिकॉज स्टेट्स आर इन फैक्ट अनइक्वल, रैदर इट इज अबाउट रेकोगनाइजिंग यूर रिलेटिव स्ट्रेंथ और वीकनेस, अबाउट नोइंग यूर प्रॉपर प्लेस, अबाउट अडेप्टिंग टू द नेचुरल रियलिटी ऑफ अनइक्वल पावर। सो अपनी वीकनेस को समझना चाहिए, अनइक्वल पावर की जो रियलिटी है उसको समझते हुए ही आपको किसी के साथ, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में डील करना चाहिए। नेक्स्ट क्लासिकल रियलिज्म में थिंकर है मैकियावेली। मैकियावेली अपनी बुक प्रिंस 1532 में जो पब्लिश हुई उसमें डिस्क्राइब करते हैं कि प्रिंस यानी किंग के पास दोनों क्वालिटी होनी चाहिए, पावर और डिसेप्शन की, मतलब लॉइन और फॉक्स वाली दोनों पावर होनी चाहिए। लॉइन की तरह बहादुर होना चाहिए, ताकतवर और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फॉक्स की तरह कनिंग और चलाक होना चाहिए, ठीक है, और यही फॉरेन पॉलिसी की दो मेन चीज़ें हैं जो किसी भी स्टेट को दूसरी स्टेट के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करते वक्त सोचनी, ध्यान से सोचनी चाहिए। द सुप्रीम पोलिटिकल वैल्यू इज नेशनल फ्रीडम, डैट इज इंडिपेंडेंस। So the main responsibility of ruler is always to seek the advantage and to defend the interest of their state and thus ensure its survival.
सो रूलर्स जो है, जो रेस्पॉन्सिबल रूलर है, उसकी एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने स्टेट का इंटरेस्ट को डिफेंड करे, ठीक है, और दूसरी उसके सर्वाइवल को इंश्योर करे। और ये दोनों चीज़ों को इंश्योर करने के लिए, यानी इंटरेस्ट और सर्वाइवल के लिए, आपके पास लॉयन और फोक्स वाले दोनों के गुण होने चाहिए। अगला है, मैकैवली की एक अजम्पशन है कि वर्ल्ड इज ए डेंजरस प्लेस, बट इट इज ऑल्सो बाय द सेम टोकन एन अपॉर्चुन प्लेस। मतलब वर्ल्ड यानी इंटरनेशनल अरीना पे देखें तो ये एक डेंजरस प्लेस है, यहाँ कोई भी किसी को मार सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे आपको मौके मिलते हैं। सो ये कह रहा है कि बस आप मौके की तलाश रहिए, जब आपको मौका मिलता है अटैक कीजिए, अपनी पावर को बढ़ाइए। सो इफ एनी पोलिटिकल लीडर होप्स टू सर्वाइव इन सच ए वर्ल्ड, ही शी मस्ट ऑलवेज बी अवेयर ऑफ डेंजर। एक तो डेंजर्स का उन्हें अवेयरनेस होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पर जो है मुसीबतें आ सकती है, मस्ट एंटिसिपेट दम, उनको पहले ही सोच लेना चाहिए, एंड मस्ट टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस अगेंस्ट दम, और उसके लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए उस डेंजर्स के लिए। लास्ट में कैबली कहते हैं, द रिस्पॉन्सिबल स्टेट लीडर मस्ट नॉट ऑपरेट इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रिंसिपल ऑफ क्रिश्चियन एथिक्स। हाँ, ये ड्यूल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी का जो कंसेप्ट है मैकैवली का, हम अपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में भी पढ़ते हैं। तो ये है कि क्रिश्चियन के एथिक्स है, मतलब क्रिश्चियन वैल्यूज है कुछ ऐसी, जिसमें आपको सिखाया जाता है भाई अपना जो नेबर है उसके साथ प्यार कीजिए, ठीक है, पीसफुल तरीके से रहिए, जितना हो सके लड़ाई को अवॉइड करिए, ठीक है, बी चैरिटेबल रहिए, दूसरों की हेल्प करिए, शेयर योर वेल्थ विद अदर, ठीक है, ऑलवेज एक्ट इन गुड फेथ। ये सारे जो क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स हैं ये बिल्कुल काम नहीं आने वाले इंटरनेशनल अरीना में, ठीक है। दूसरे स्टेट के साथ अपने अपनी वेल्थ नहीं शेयर करने वाले, ठीक है, और दूसरे नेबर के साथ आप ये नहीं हमेशा ही प्यार पाई रखें, ठीक है, और सोए रहें, वो आप पर हमला कर जाए, लूट ले, आपके देश पर कब्जा भी कर ले, ये सारी चीज़ें मैटर ही नहीं करती इंटरनेशनल रिलेशन पे। तो वहाँ पर मोरालिटी काम नहीं करेगी, जो आपकी पर्सनल मोरालिटी है, प्राइवेट मोरालिटी, वो पब्लिक अफेयर में बिल्कुल भी काम नहीं आती है। ये प्रिंस को ये सलाह देता है कि आपके जो पब्लिक मोरालिटी है, वहाँ पर आप जितना कनिंग हो सकते हो, जितना रुथलेस भी हो सकते हो, तो वो सारी चीज़ें जायज़ है। वहाँ पर किलिंग करना भी जायज़ है, स्पाइंग करना, चीटिंग करना, लाइंग करना, ठीक है, अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर देना, ये सारी चीज़ें जायज़ है, ये करनी चाहिए हर एक प्रिंस को, अदरवाइज वो उनका सर्वाइवल जो है, उनकी स्टेट का सर्वाइवल है, वो खतरे में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लासिकल रियलिज्म में थिंकर है मोरगेंथो। मोरगेंथो के फेमस बुक है, उसका नाम है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, 1948 में पब्लिश हुई थी। मोरगेंथो बात करते हैं एनिमस डोमेंडी की। तो ये एनिमस डोमेंडी क्या है? एनिमस डोमेंडी का मतलब है ह्यूमन लस्ट फॉर पावर। तो ये ह्यूमन एनिमस डोमिनेंडी का मतलब है कि इसमें मैन जो वुमेन है हमेशा ही पावर के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे, कन्फ्लिक्ट में आएंगे ही आएंगे। सो डैट क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ पावर पॉलिटिक्स, जो मोरगेंथो के रियलिज्म की मेन कोर है। तो अगर ह्यूमन बीइंग जो है पावर के लिए लड़ेगा, तो यहाँ पर पावर पॉलिटिक्स की एक मेन कंडीशन शुरू हो जाएगी। सो मोरगेंथो बिलीव्स पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर ओवर मैन, वट एवर इट्स अल्टीमेट एम मे बी, पावर इज इट्स अल्टीमेट गोल एंड द मोड्स ऑफ एक्वायरिंग, मेंटेनिंग एंड डेमोस्ट्रेटिंग इट्स डिटरमिंग द टेक्निक ऑफ पोलिटिकल एक्शन। सो पॉलिटिक्स क्या है? पावर की स्ट्रगल है, ऐसी पावर की स्ट्रगल जहाँ दूसरे को आप डोमिनेट करना चाहते हो, और इस स्ट्रगल में आप सिर्फ पावर ही पाना चाहते हो, और पावर, एंडलेस ग्रीड फॉर पावर। तो इसमें जो मोड ऑफ एक्वायरिंग है, इस मतलब पावर को कैसे एक्वायर करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, और पावर को दिखाते कहते हैं, दिखाते कैसे हैं, ये सारी पॉलिटिकल एक्शन को यूज करने की एक टेक्निक है। तो इसमें मोरगेंथो के हमने सिक्स प्रिंसिपल्स भी साथ में पढ़ने हैं। मोरगेंथो के ये सिक्स प्रिंसिपल बहुत फेमस है, बहुत बार पूछे जाते हैं बहुत तरह के एग्जाम में। सो इसमें है पॉलिटिक्स, पहला प्रिंसिपल, पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव लॉ, आई आर थ्योरी इज रैशनल थ्योरी डैट रिफ्लेक्ट दिस लॉ।
मॉर्गेंथो कहते हैं कि पॉलिटिक्स किसी एक लॉ के अकॉर्डिंगली चलती है। अगर हम वो लॉ फाइंड आउट कर लें तो हम पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं, और आईआर थ्योरी ये सारी इसी लॉ को लेकर बिल्ड है। मतलब कुछ ऐसे लॉ है जो बदलते नहीं हैं, आप चाहे किसी भी स्पेस या टाइम में चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, वो सबके लिए सेम ही रहने वाले हैं लॉ। नेक्स्ट है, पॉलिटिक्स इज ऑटोनॉमस अफेयर इंडिपेंडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पर्सनल मोरालिटी। सो जैसे कार्ल मार्क्स की थ्योरी को आपने पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक्स जो है वही मेन बेस होता है और उसके ऊपर ही सारी सुपर स्ट्रक्चर होती है और उसी में पॉलिटिक्स आती है। सो पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करती है, ये एक तरह से ये जो कार्ल मार्क्स का अजम्पशन है उसको रिफ्यूट कर रहे हैं मोरगेंथो। मोरगेंथो कहते हैं पॉलिटिक्स अपने आप में ऑटोनमस फेयर है, ठीक है, इकोनॉमिक्स और पर्सनल मोरालिटी से बिल्कुल हटके हैं। सो जो भी डिसीजन लिए जाते हैं पॉलिटिकली उसमें इकोनॉमिक्स को नहीं देखा जाता, उसमें पर्सनल मोरालिटी को नहीं देखा जाता। थर्ड है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अबाउट नेशनल इंटरेस्ट, दो दीस इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट विद इन विच पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड। सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नेशनल इंटरेस्ट को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है, बस उसी फॉर उन स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी में नेशनल इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने को ही प्रेफरेंस दी जाती है। नेक्स्ट है द पॉलिटिक्स एथिक्स, यानी पॉलिटिकल एथिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल। ये मैंने बता दिया था मैकैवली वाले केस में कि कैसे आपकी प्राइवेट मोरालिटी पब्लिक मोरालिटी से अलग है। सो जो पॉलिटिकल एथिक्स एक कंट्री फॉलो कर रही होगी, जरूरी नहीं है कि दूसरी कंट्री भी फॉलो करेगी। अगर एक कंट्री नॉन वायलेंस में बिलीव करती है, उसके अपने पॉलिटिकल एथिक्स है, तो दूसरी कंट्री नहीं बिलीव करती नॉन वायलेंस पे, वो वायलेंस पे बिलीव करती है, वो अग्रेसिव नेचर की है। हाँ, वो पहले वार की शुरुआत कर देंगे। आप कहते होंगे कि हम पहले वार की शुरुआत नहीं करना चाहते, तो दूसरी कंट्री इसके लिए वेट नहीं करेंगी, आप नहीं शुरुआत करना चाहते तो हम कर देंगे। सो जो पॉलिटिकल एथिक्स है एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर वेरीज कर सकते हैं। सो या यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल जैसी कोई चीज भी नहीं है, ठीक है, सबके अपने अपने बिलीव्स हैं पॉलिटिक्स को लेकर। नेक्स्ट है, पर्टिकुलर नेशंस कैन नॉट इम्पोज देयर नेशनल एस्पिरेशंस ऑन अदर नेशन। तो एक नेशन जो जिसके अपने कुछ मान्यताएं हैं, बिलीव्स हैं, वैल्यूज हैं, तो वो जो एस्पिरेशन है वो दूसरे पर थोप नहीं सकता, सबकी अपनी अपनी होती है। ये उसी पिछले पार्ट का ही कुछ एक्सपैंड वर्जन है। नेक्स्ट है, पैसिमिस्टिक नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर इज द सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो पैसिमिस्टिक नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर का मतलब ये है कि ह्यूमन नेचर की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती है, उसी लिमिटेशन में को देखते हुए, उस रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए फॉरेन पॉलिसी बिल्ड की जाती है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये सारी चीजों को ध्यान से समझा जाता है। इसे पैसिमिस्टिक नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सेंटर है, जिसमें आप ह्यूमन नेचर की कमियों को जानते हो और जानने के बाद उसी हिसाब से डील करते हैं दूसरी स्टेट्स के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर। अगला रियलिज्म जो है नेक्स्ट टाइप, वो है स्ट्रेटेजिक रियलिज्म। स्ट्रेटेजिक रियलिज्म के जो मेन थिंकर हैं वो है थॉमस शेलिंग। उनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक ऑफ कन्फ्लिक्ट। 1980 में ये उन्होंने बुक लिखी थी। स्ट्रेटेजिक रियलिज्म फोकस करता है फॉरेन पॉलिसी कैसे बनाई जाती है, ठीक है, कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जहां पर फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है। सो इसमें यह बताया गया है कि व्हेन स्टेट लीडर्स कन्फ्रंट बेसिक डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इश्यूज, दे आर ऑब्लाइज टू थिंक स्ट्रेटेजिकली, दैट इज इंस्ट्रूमेंटली, इफ दे होप टू बी सक्सेसफुल। तो मतलब जो भी डिसीजन फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त, ठीक है, स्टेट्समैन लेते हैं, वो डिसीजन बड़े ध्यान से लिए जाते हैं, मतलब स्ट्रेटजिकली लिए जाते हैं, सोच समझ के लिए जाते हैं। मतलब ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस या ऐसी कोई स्ट्रक्चर या कंडीशन उन्हें कंपेल नहीं करती फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए, वो बड़े तरीके से ध्यान से सोच समझ के स्ट्रेटजिकली कल ये जा कह लो इंस्ट्रूमेंटली वो फॉरेन पॉलिसी को बनाते हैं। फॉर शेलिंग द एक्टिविटी ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज टेक्निकली इंस्ट्रूमेंटल एंड दस फ्री फ्रॉम मॉरल चॉइस। इट इज नॉट प्राइमरली कंसर्न अबाउट वट इज गुड और वट इज राइट, इट इज प्राइमरली कंसर्न विद द क्वेश्चन वट इज रिक्वायर्ड टू
फॉर आवर पॉलिसी टू बी सक्सेसफुल। सो इसमें कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में कोई मोरालिटी नहीं देखी जाती, कोई मॉरल चॉइस नहीं होती, कोई ये ही नहीं देखा जाता कि क्या चीज़ ठीक है या क्या चीज़ गलत है, क्या जो अगर ये चीज़ गलत है तो क्या हमें नहीं करना चाहिए। नहीं, इसमें सिर्फ आप अपना स्ट्रेटजिकल इंटरेस्ट देखते हैं, अपना बेनिफिट देखते हैं और आप उसी हिसाब से ही फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। नेक्स्ट है, शेलिंग एक और चीज़ को डिफरेंशिएट करते हैं, ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है समझने वाली। वो ब्रूट फोर्स और क्रिएशन को डिफरेंशिएट करते हैं। ब्रूट फोर्स का मतलब होता है जब आप एक्चुअली पावर को एक्सरसाइज करते हैं, और क्रिएशन का मतलब होता है जब आप पावर को होल्ड में रखते हैं, रिजर्व रखते हैं, यूज नहीं करते, सिर्फ दिखाने के लिए अपनी पावर को बढ़ाते हैं। सो क्रिएशन क्रिएशन एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से आप अपने ओपोनेंट को जो है बार्गेनिंग रिलेशनशिप ले आते हैं। बार्गेनिंग रिलेशनशिप का मतलब है उससे वो चीज़ भी करवा लेनी जो अदरवाइज वो नहीं करता, उसे कंपेल कर देना, ठीक है, उसे डोमिनेट कर देना, उससे अपनी बात मनवा लेनी। सो क्रेजन है, वो मानते हैं क्रेजन फोर्स जो है ब्रूट फोर्स से भी बेटर होती है, क्योंकि ब्रूट फोर्स में काफ़ी डेंजर इन्वॉल्व है, ठीक है, इसमें वॉर भी आपको लड़ना पड़ सकता है, लेकिन क्रेजन में आपको नहीं लड़ना पड़ता। सो एक स्ट्रेटेजिक रियलिज्म में जो स्टेट्समैन फॉरेन पॉलिसी बनाता है वो क्रेजन की पावर को जानता है उसी हिसाब से। सो कुछ तो हथियार या कोई टैंक्स हो गए या एयरक्राफ्ट हो गए, वो सिर्फ दिखाने के लिए ही एक्वायर किए जाते हैं, दूसरों को डराने के लिए ही एक्वायर किए जाते हैं, चाहे उनका इस्तेमाल ना किया जाए, उसको जंग भी लग जाए, तो ये सब करना स्ट्रेटजिकली करना है। और ये थॉमस शेलिंग हर स्टेट्समैन को मतलब रिकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं ऐसे करना है। नियो रियलिज्म रियलिज्म की एक टाइप है, और नियो रियलिज्म के जो मेन थिंकर है वो कैनेथ वाल्स है। कैनेथ वाल्स ने अपनी जो थ्योरी दी है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये उनके वर्क का नाम ही है, तो इसको अगर हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कह देंगे और कैनेथ वाल्स को स्ट्रक्चरल रियलिस्ट भी कह देंगे तो एक ही बात होगी। तो नियो रियलिज्म में काफ़ी उन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है कैनेथ वाल्स ने। समझते हैं कि क्लासिकल रियलिज्म जो हमने पीछे पढ़ा है उससे कैसे अलग है। देखो, इन्होंने ह्यूमन नेचर को इग्नोर किया है, एथिक्स ऑफ स्टेट्सक्राफ्ट को इग्नोर किया है, मतलब इन्होंने ये चीज़ें नहीं मानी है कि प्राइवेट मोरालिटी पब्लिक मोरालिटी अलग होती है, ह्यूमन नेचर कैसा होता है, इन चीज़ों पर उन्होंने स्टडी नहीं की है। और ये नियो क्यों है ये भी समझ लेते हैं। पहली बात तो ये बहुत मोर साइंटिफिक है देन क्लासिकल रियलिस्ट थ्योरी। ये नियो है और ये क्यों साइंटिफिक है, क्योंकि ये सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करती है। ये बात करती है कि रियलिज्म सॉरी नियो रियलिज्म में हाँ, तो ये नियो क्यों है, ये नियो इसलिए है क्योंकि इसमें ये बिलीव किया जाता है, जैसे क्लासिकल रियलिस्ट वाले मानते हैं कि किसी भी तरह की फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त या कुछ एक्शन लेते वक्त लीडर बहुत ध्यान से सोचते हैं, तो ये बिलीव करते हैं नियो रियलिज्म वाले कि नहीं, कभी कभी लीडर्स आर रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट, क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर ही इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसी स्थापित हो जाती है, कुछ सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है कि वो भी मजबूर हो जाते हैं एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए, एक पर्टिकुलर फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए। सो स्ट्रक्चर जो है इंटरनेशनल रिलेशन में एक्शन को डिटरमिन करते हैं कि लीडर कैसे एक्शन लेने वाले हैं। सो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में लीडर कैसे एक्शन लेने वाले हैं, तो इसलिए ये अपने आप में नई बात है। अगर ये नियो है, बिल्कुल नई बात कही है, तो इसको हम रियलिस्ट में ही क्यों कैटेगराइज कर रहे हैं, कोई इसको नया नाम क्यों नहीं दे दिया गया, ठीक है, तो ये जान लेना जरूरी है। वाई रियलिस्ट, इसको रियलिज्म में ही क्यों रखा है। कुछ बातों में ये सिमिलर है क्लासिकल रियलिज्म के साथ, जैसे स्टेट मेन यूनिट है क्लासिकल रियलिस्ट वाले मानते हैं और नियो रियलिस्ट वाले भी मानते हैं, अनार्की दोनों मानते हैं इंटरनेशनल स्टेट में एग्जिस्ट करती है, स्टेट की अनइक्वल कैपेबिलिटीज होती है। फर्क ये है, नियो रियलिज्म वाले कैपेबिलिटी वर्ड यूज करते हैं और क्लासिकल रियलिज्म वाले इसको पावर वर्ड यूज करते हैं,
और दोनों बिलीव करते हैं कि वार इंटरनेशनल रिलेशन में पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है, वार होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं, इसको टाला नहीं जा सकता, इसीलिए ये रियलिज्म में कैटेगराइज होती है और हम इसे नियो रियलिज्म कहते हैं। वार्ट्स आल्सो बिलीव, ये आखिरी आर्ग्यूमेंट मैं बताने वाला हूँ आपका वार्ट्स का, वार्ट्स बिलीव करता है कि बाइपोलर स्ट्रक्चर, ठीक है, ज़्यादा स्टेबल है मल्टीपोलर स्ट्रक्चर में। बाइपोलर स्ट्रक्चर तब आई थी जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ था। ये बाइपोलर स्ट्रक्चर है जहां पर दो पावर एग्जिस्ट करती हैं, दो सुपर पावर एग्जिस्ट करती है, जैसे कोल्ड वॉर में की थी, यूएसएसआर था एक पावर और दूसरी पावर यूएसए था। तो ये मल्टीपोलर स्ट्रक्चर से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा स्टेबल है। बाइपोलर की स्ट्रक्चर आप कह सकते हो कि वर्ल्ड वार टू के खत्म होने के बाद शुरू होती है और कोल्ड वॉर खत्म होने के साथ खत्म हो जाती है। सो मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो जितने वर्ल्ड वार हुए, वर्ल्ड वार वन में, वर्ल्ड वार टू में भी मल्टीपोलर वर्ल्ड स्ट्रक्चर की सिचुएशन थी और कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी मल्टीपोलर वर्ल्ड रहा है। इसको जॉन गैडिस ने बड़ा ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। उन्होंने बायपोलर सिस्टम का महत्व बताते हुए कहा है कि अगर इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे ज़्यादा जो पीसफुल टाइम रहा है, जिसे वो कहते हैं लॉन्ग बाइपोलर पीस या लॉन्ग पीस, तो वो कोल्ड वॉर के टाइम पर ही रहा है। नेक्स्ट थिंकर है, सॉरी, नेक्स्ट जो रियलिज्म का पार्ट है वो है डिफेंसिव ऑफेंसिव रियलिज्म। डिफेंसिव ऑफेंसिव रियलिज्म को डिस्क्राइब करने वाले जो थिंकर हैं उनका नाम है जॉन मर्शाइमर। उन्होंने अपनी बुक में ये चीज़ डिस्क्राइब किए है, बुक का नाम है ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। 2001 में ये बुक लिखी गई थी। इसमें उन्होंने ये बताया कि जो वार्ट्स का रियलिज्म है वो डिफेंसिव रियलिज्म है, क्योंकि वार्ट्स कहते हैं स्टेट्स के लिए सर्वाइवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं तो जितनी पावर सर्वाइव करने के लिए चाहिए बस वो उतनी ही पावर को गेन करना चाहते हैं, उसके बाद पावर को अक्वायर करने की उन्हें कोई लालसा नहीं लेती, वो और पावर को अक्वायर नहीं करना चाहते हैं। सो अपनी सर्वाइवल को पहले देखते हैं, सर्वाइवल इंश्योर हो गया बस ठीक है, इससे ज़्यादा वो पावर को नहीं बढ़ाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने, जॉन मर्शाइमर ने वार्ल्स के इस अजम्पशन को लेकर उन्हें डिफेंसिव रियलिज्म का खिताब दिया और उन्हें डिफेंसिव रियलिस्ट कहा, और उन्होंने अपने खुद के रियलिज्म को, अपनी थ्योरी को ऑफेंसिव रियलिज्म कहा। उन्होंने कहा जो ग्रेट पावर्स होती है वो सर्वाइवल तक ही सीमित नहीं रहती है, वो सर्वाइवल तक सीमित इसलिए नहीं रहती है क्योंकि सर्वाइवल के बाद भी वो अपनी पावर को और भी बढ़ाना चाहते हैं। मर्शाइमर बिलीव करते हैं कि ग्रेट पावर जो है जब तक वो हैजीमोन नहीं बन जाते, मतलब अपने रीजन के आसपास हैजीमोन नहीं बन जाते, हालांकि मर्शाइमर ने ये पॉसिबिलिटी रूल आउट की थी कि कोई वर्ल्ड में एक हैजीमोन भी हो सकता है, तो वो ये कहते थे कि जो रीजन में है अपने आस, जैसे नॉर्थ अमेरिका के रीजन में जहाँ पर कैनेडा भी है, मैक्सिको भी है, ठीक है, उसमें अमेरिका ही जो हैजीमोन रहा है। तो मर्शाइमर ये बिलीव करते हैं कि वो अपने रीजन में हैजीमोन बनने के लिए और पावर को एक्वायर करते ही रहते हैं और करते रहेंगे, तो सर्वाइवल उनका एंड गोल नहीं है जैसे वार्ड्स बिलीव करते हैं। सो वो डिफेंसिव रियलिज्म में बिलीव नहीं करते मर्शाइमर, वो कहते हैं ऑफेंसिव रियलिज्म एक्चुअल कंडीशन है इंटरनेशनल रिलेशन की। नेक्स्ट है नियो क्लासिकल रियलिज्म। अब ये क्या है? नियो क्लासिकल रियलिज्म नियो रियलिज्म और क्लासिकल रियलिज्म दोनों के आर्ग्यूमेंट को इकट्ठा करता है, ठीक है, तब जाकर नियो क्लासिकल रियलिज्म बनता है। कैसे? नियो क्लासिकल की एक अजम्पशन है कि आईआर इज बेसिकली अनार्कियल सिस्टम, ठीक है, और आईआर इज बेसिकली अनार्कियल सिस्टम, इट ड्रॉज अपॉन नियो रियलिज्म एंड दैट ऑफ वॉल्स इन पर्टिकुलर बाई एक्नोलॉजी द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम एंड द रियलिटी पावर ऑफ स्टेट। सो ये जो वॉल्स की नियोरियलिज्म की थ्योरी है, जो वॉल्स बताता है कि इंटरनेशनल सिस्टम में स्ट्रक्चर कितना रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती है, तो ये बिलीव करते हैं हाँ भाई इंटरनेशनल रिलेशन में स्ट्रक्चर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल, ठीक है, अदा करती है, इस चीज़ पर विश्वास करते हैं, वॉल्स के आर्ग्यूमेंट में भी विश्वास करते हैं। बट
ये इसके साथ ही क्लासिकल रियलिज्म के भी आर्ग्यूमेंट पर विश्वास करते हैं। वो ये है कि जो मर्गेंथो और किंसिंगर ने आर्ग्यूमेंट दिया था कि फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशन में इम्पोर्टेंट है, स्टेट्स क्राफ्ट इम्पोर्टेंट है यानी लीडरशिप इम्पोर्टेंट है, तो एक स्टेट का सर्वाइवल और सिक्योरिटी एक लीडर के अच्छे डिसीजन या फॉरेन पॉलिसी बनाने के साथ कंसर्न है। मैंने बता दिया था वाल्ट्स नहीं मानता है स्टेट्स क्राफ्ट को, नियो रियलिस्ट वाले नहीं बिलीव करते हैं। वो कहते हैं जब स्ट्रक्चर ही इंटरनेशनल में रिलेशन में ऐसी हो तो कोई भी स्टेट्समैन हो, कोई भी लीडर हो, तो वो कंपेल हो जाता है एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए। और नियो क्लासिकल वाले वाल्ट्स के आर्ग्यूमेंट के साथ भी सहमत है और ये क्लासिकल रियलिज्म के आर्ग्यूमेंट के भी सहमत है। सो इन नटशेल वो कहते हैं कि एक ऐसी स्ट्रक्चर में, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जो स्टेट्समैन होते हैं, स्टेट लीडर होते हैं, वो उस स्ट्रक्चर में सोच समझ के डिसीजन ले सकते हैं। सो यहाँ स्ट्रक्चर की भी महत्ता है और उनकी डिसीजन लेने की काबिलियत पर भी महत्ता है। सो नियो क्लासिकल रियलिज्म दोनों को साथ लेकर चलता है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है रियलिज्म का। तो रियलिज्म के बेसिकली पहला क्रिटिसिज्म आता है इंटरनेशनल सोसाइटी ट्रेडिशन से। ये इंटरनेशनल सोसाइटी भी रियली सॉरी इंटरनेशनल रिलेशन की एक थ्योरी है। तो ये दो चीज़ों को लेकर क्रिटिसाइज करती है। पहली ये चीज़ कि रियलिज्म वन डिमेंशनल थ्योरी है, ठीक है, वन डिमेंशनल है, बहुत नैरोली फोकस्ड है। इसने पावर पॉलिटिक्स पर, सिक्योरिटी सर्वाइवल पर, बस यही चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया है। सो रियलिज्म ने आईआर में जो डिफरेंट वॉइसेस है उनको कंसिडर नहीं किया, उनको बिल्कुल निग्लेक्ट किया है। सो वो डिफरेंट वॉइसेस क्या है, वो डिफरेंट कौन से नरेटिव है, जो डायलॉग्स है जो रियलिज्म ने इग्नोर किया है, वो मार्टिन वाइट बताते हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल रिलेशन में तीन मेन डिबेट्स है, तीन मेन डायलॉग। एक है रियलिज्म का, मैकियावेली वाला, एक है रैशनलिज्म का डायलॉग, ग्रोटियस ने दिया था, ठीक है, ग्रोटियस इज नोन एज अ फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, एंड रेवोल्यूशनिज्म का कंसेप्ट जो इमैनुअल कांत ने दिया था। तो इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए ये तीनों थ्योरीज या कह लो तीनों थिंकर्स के आर्ग्यूमेंट को समझ लेना जरूरी है। सिर्फ रियलिस्ट का ही आर्ग्यूमेंट पढ़कर हम इंटरनेशनल रिलेशन को नहीं समझ सकते। सो ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछ भी रखा है कि मार्टिन वाइट ने तीन कौन से ट्रेडिशन या कौन से तीन डायलॉग बताए हैं इंटरनेशनल रिलेशन में जो सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म रियलिज्म को आता है इमेंसिपेटरी थ्योरी से। इमेंसिपेटरी थ्योरी को कैन बूथ ने, ठीक है, प्रोपोगेट किया है। और इमेंसिपेटरी थ्योरी ये बिलीव करती है कि पावर पॉलिटिक्स इज ऑब्सोलीट आइडिया नाउ, ठीक है, पावर पॉलिटिक्स इसलिए ऑब्सोलीट आइडिया है क्योंकि सिक्योरिटी जो है अब वो लोकल प्रॉब्लम हो गया है, वो डिसऑर्गेनाइज हो गया है, और वो प्रॉब्लम है जो आजकल फेल्ड स्टेट है, जो डेवलप्ड स्टेट है, ग्रेट पावर्स है, सिक्योरिटी उनके लिए अब प्रॉब्लम नहीं रहा है, ठीक है। सो इट इज नो लॉन्गर एक्सक्लूसिवली और इवन प्राइमली अ प्रॉब्लम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनल डिफेंस फॉर फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। सो ये दो मेन क्रिटिसिज्म है जो रियलिस्ट वालों को फेस करने पड़ते हैं। यहाँ पर हमारा स्पेशल लेक्चर खत्म होता है। मुझे पता है ये काफी लंबा गया है, और अगर इसको आप और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि कुछ कमियां रह गई, हमें और भी डेप्थ में पढ़ना चाहिए, उसके लिए मैंने लिंक, जो किताबें मैंने पढ़ी हैं दो किताबें, एक ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स बैलिस और स्मिथ की, और दूसरी मैंने पढ़ी है दूसरी मैंने पढ़ी है इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरीज पर जैक्सन एंड सोरेंसन की, तो उन दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखे हैं। और इसके साथ मैंने दो तीन वेबसाइट को और भी रेफर किया है, मैंने उनके भी लिंक दे रखे हैं। तो आप रियलिज्म की ओवरऑल पिक्चर को गैदर करने के लिए, ठीक है, उस सारे लिंक्स को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ऐसे और वीडियो को अगर देखना चाहते हैं, ठीक है, थैंक यू।